इतनी रात में ये आदमी अंदर कैसे आ गया? कौन है? बाहर आओ। कहाँ चला गया? कौन? मुंबई के एक पॉश इलाके में हत्या की खबर ने पूरे शहर को दहला दिया है। सवाल ये है कि क्या हम अपने ही शहर में सुरक्षित हैं? सर 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 एक और कुछ तो बोलिए। एक मिनट। आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली? सर सुबह 4:30 बजे। अजीब बात है सर, वॉचमैन ने वो लाश देखे सुबह 4:30 बजे और हमें तुरंत कॉल किया, और इन मीडिया वालों को भी खबर मिली है सुबह 4:30 बजे। समझ में नहीं आता 4:30 बजे कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखिए, आप लोगों के डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ के एविडेंस खत्म हो सकते हैं, प्लीज समझते हैं ना? सर हम अपना काम ही कर रहे हैं। एक आदमी की मौत से सनसनी फैला के अपने टीआरपी को बढ़ाना काम कहती हैं? हाँ, चुपचाप जाइए यहाँ से और हमें अपना काम करने दीजिए। सर कुछ तो बोलिए। सर बताइए सर। ये कटा हुआ सर बॉलिंग मशीन पे कैसे है? कितनी बेरहमी से मारा है इसे। यहाँ तो सारे में खून के छींटे हैं और बॉडी भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। बस इसके आंखों की नमी ये बताती है कि इसकी हत्या हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ ही घंटे बीते हैं, और इसका घाव भी बहुत ताजा है। लगता है किसी तेज धारदार चीज से काटा गया है, जैसे कोई ब्लेड। दया सर, जिसने भी ये खून किया है ना, लगता है ये जो सिर है उसका बोलिंग का जो बॉल होता है उसके जैसे इस्तेमाल किया है, और फिर ये सिर बॉल की तरह इसमें से बाहर आ गए। ये देखिए सर, इस पे ये नाम लिखा है, अमर कुशल। कौन हो सकते ये लोग, और फिर इनका नाम दो स्किटल्स पर क्यों? ये समझ में नहीं आ रहा सर कि खूनी ने ये नाम क्यों लिखा है। या तो वो खुद के बारे में कोई सुराग देना चाहता है या हमें भटकाना चाहता है। बिल्कुल वही है दया, इसीलिए तो नाम स्किटल्स पे लिखे हैं। पर सर इस नाम के तो कई लोग होंगे शहर में। ये बात तो खूनी भी जानता है पूर्वी, मगर इसमें नाम लिख के उसने हमें एक चुनौती दी है, पर वो ये नहीं जानता कि वो चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी के हाथ उसके गर्दन तक पहुंच ही जाएगी। सर डेड बॉडी का सर तो यहाँ है, बॉडी कहाँ हो सकती है? बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए बॉस। खून हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब बॉडी आसपास ही कहीं होगी। एक काम करो फ्रेडी, गवर्नमेंट एजेंसी में जाकर के पता लगाओ ये अमर और कुशल है कौन, सारे डिटेल निकालो, और फिर मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर के पता लगाओ किसी ने कोई गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। अमर और कुशल, वॉचमैन ने उस खूनी को सीसीटीवी कैमरे में देखा था, और कंट्रोल रूम से बॉलिंग आले तक पहुंचने में उसे 3 से 4 मिनट लगा होगा, और तब तक खूनी वहां से निकल गया। सर मतलब खूनी ने भागने के लिए सामने का रास्ता नहीं लिया, सामने से तो वॉचमैन आ रहा था ना? हाँ, खूनी ने भागने के लिए मतलब अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए ये पीछे का रास्ता चुना होगा, और यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सर यानी खूनी इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ था? खूनी का कोई ना कोई कनेक्शन है इस बॉलिंग एली के साथ, नहीं तो वो ये जगह क्यों चुनता? दया ये खून के निशान देखो, खूनी यहीं से आया गया होगा, आगे चल के देखते हैं।
ये देखिए सर, ये देखो इसकी पीठ पर तीन गोलियों के निशान है, मतलब पहले किसी ने इसे गोली से खत्म किया और जब मर गया उसके बाद इसका गला काट करके मुंडी वहां पर रख दी। ये क्या है? ब्रीफकेस? किसका हो सकता है, मरने वाले का या मारने वाले का? शायद ये ब्रीफकेस ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। तोड़ना पड़ेगा इसे, खुलने रहा। डेथ सर्टिफिकेट्स? इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट्स लेके कोई क्यों घूमेगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ पूर्वी, इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट का कोई क्या कर सकता है? एक मौत से इतने सारे मौतों का क्या कनेक्शन है? एसीपी प्रद्युमन, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। उन सभी लोगों को जरा प्यार से समझा देना और कह देना कि जब तक सीआईडी है उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? और जितने भी अमर और कुशल आए हैं उन सब से उनकी पर्सनल डिटेल्स ले लेना, ठीक है? या थैंक यू सर। आ दया, डेड बॉडी मिल गई सर, सालों के साथ वहीं पर है। और बॉडी के पास ये ब्रीफकेस मिला सर, जिसमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, कई सारे अलग अलग नाम पे। इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट्स लेकर ये आदमी कर क्या रहा था? एक्सक्यूज मी, क्या वजह हो सकती है? आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज हटिए, हमारी बात सुनिए। वो हमारे बॉस है सुशांत सर। क्या? प्लीज लेट अस कम, आइए। आप लोग कौन है? सर मेरा नाम यश है और ये प्रीति, हम पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लिए काम करते हैं। सुशांत सर हमारे बॉस थे। ये जरा ये देखिए, उनके बॉडी के पास हमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स मिले, क्या ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे बॉस के ही थे? सर हम सरकारी गवाहों की हिफाजत करते हैं, कई केसेस में गवाहों की सुरक्षा के लिए हमें उनको नई आइडेंटिटी देनी पड़ती है। सुशांत सर इस काम में एक्सपर्ट थे। सर विटनेस की जान बचाने के लिए वो उन्हें नई आइडेंटिटी दिया करते थे, ऐसे लोगों की आइडेंटिटी जिनकी मौत कुछ सालों पहले हुई है। अच्छा जरा एक बात बताइए, हमें यहाँ उन स्किटल्स पर दो नाम मिले हैं, अमर और कुशल, क्या आप लोग जानते हैं इन दोनों को? जी सर, ये दोनों नाम लेजर गैंग के बहुत ही खतरनाक मेंबर्स को दिए गए थे और उनका लूटपाट करने का तरीका भी बहुत ही अलग था। बॉस क्या करें, बम फेंक दें? गाड़ी को नजदीक आने दे। अब फेंक। सर ऐसे कई क्राइम्स किए इन लोगों ने, लेकिन सर बहुत महीनों की कोशिशों के बाद इस गैंग का लीडर आनंद पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? कुशल और अमर की वजह से सर, वो दोनों हमारे लिए सरकारी गवाह बन गए थे और आनंद को उम्र कैद की सजा हो गई। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, जेल की चार दीवारी मुझे तुम लोगों की जान लेने से रोक नहीं सकती। तुम लोग जहां छिप सकते हो छुपो, मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। लेके जाओ इसको।
तो आनंद से इन दोनों को बचाने के लिए तुम लोगों ने इस अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी। जी सर। मतलब कुशल और अमर उन दोनों के असली नाम नहीं है, है? नहीं सर, इसीलिए सुशांत सर ने नए डेथ सर्टिफिकेट्स निकाले थे ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके। लेकिन सर, जैसे ही हमने न्यूज देखी हमें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सुशांत सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इन दोनों के नाम लीक हो सकते हैं। तो आनंद पकड़ा गया अमर और कुशल की वजह से, और आनंद से बचाने के लिए सुशांत ने अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी, इसीलिए आनंद ने सुशांत को खत्म कर दिया। सर, वो स्टेटस जो बॉलिंग पिन होते हैं ना, जिसपे नाम लिखा है कुशल और अमर, इसका क्या मतलब है? और इस सवाल का जवाब तो आनंद ही दे सकता है फ्रेडी। हमें अमर और कुशल का पता चाहिए। जी। तुम परेशान मत हो रीना, वो अब आ जाएगा। कुशल घर पे है? जी नहीं। आप कौन है? जी मैं कुशल की पत्नी रीना। कुशल कहाँ है? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर एक्चुअली हम लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं क्या मतलब? एक्चुअली वो सुबह से ही गायब है। क्या गायब है? आप कौन? सर एक्चुअली मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। सर लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? रीना जी आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर आपको जो भी बात करनी है आप इनके सामने कर सकते हैं, ये लोग हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही है। दरअसल कुशल एक लाइट बॉम्ब गैंग के लिए काम करता था। गैंग के पकड़े जाने के बाद कुशल सरकारी गवाह बन गया और ग्रुप के लीडर आनंद को सजा हो गई, और फिर कुशल अलग अलग आइडेंटिटी के साथ जीने लग गया। हमेशा के कि उसे कोई पहचान गया है और उसकी जान को खतरा है। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। हमारी शादी को भी सिर्फ 2 ही साल हुए और कुशल ने मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कब से गायब है वो? आज सुबह जब टीवी पर बॉलिंग एले में मर्डर की न्यूज देखी और उसने खुद का नाम देखा, तब से वो बहुत घबरा गया था और फिर हड़बड़ी में वो कहीं चला गया। आपने उसका फोन ट्राई नहीं किया? वो एक्चुअली सुबह से ही लगातार उसका फोन बंद आ रहा है और उसके अलावा उसकी कोई खबर भी नहीं मिली है। तो आप लोगों में से किसी को भी कुशल के असली पहचान के बारे में कुछ नहीं मालूम? आप लोग कल रात कहाँ थे? कल रात तो मैं अपने घर पर ही था। मैं पुणे गया हुआ था बिजनेस मीटिंग के लिए। और आप कहाँ थे? कुशल के साथ घर पर ही थी। सर आप लोग कहीं हम लोग पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, कल रात को जो मर्डर हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। सर हमें तो मरने वाले का नाम तक नहीं पता है। तो आप लोगों ने कुशल के गायब होने की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? कुशल को गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। हमें नहीं लगा था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। कुशल किसी मुसीबत में है, हमें नहीं मालूम था। सर प्लीज़ मेरे पति को बचा लीजिए। प्लीज़ मैम कुशल को बचा लीजिए। प्लीज़ मैम घबराइए नहीं, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जरूर वो टीवी पे न्यूज़ देखने के बाद डर के यहाँ से निकल गया होगा। पर गया कहाँ होगा वो? इससे पहले कि खूनी उसे ढूंढ ले हमें उसे ढूंढना होगा। सर एक बात और। सर पिछले एक हफ्ते से वो बहुत परेशान थे और उस हादसे के बाद तो बहुत खोए खोए से रहते थे। कौन सा हादसा? दरअसल बहुत दुख हुआ जानकर। हम लोग बॉडी लेने आए हैं। कैसी बॉडी? क्या बकवास है ये? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ और कौन है ये लोग? मैडम हम लोग मिस्टर जॉनी की बॉडी लेने आए हैं। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई मिस्टर जॉनी नहीं रहते। आप गलत एड्रेस पे आए हैं। आप श्योर तो है मैडम? 100% श्योर है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। किसने भेजा तुम्हें? किसके लिए काम कर रहे हो तुम? गेट आउट। संभालो अपने आप को और आगे से दिखाई मत देना। और उसके बाद मैंने कई बार कुशल से पूछने की कोशिश की लेकिन कुशल ने मुझे कुछ नहीं बताया। बड़ी अजीब बात है सर, कोई कुशल के घर पे जॉनी की बॉडी लेने क्यों आएगा? बॉडी लेने के लिए नहीं, वो कुशल को डराने आया था। जरूर इस कुशल का असली नाम जॉनी है, इसीलिए उस दिन के बाद से वो बहुत परेशान था और ऐसा अजीब बर्ताव करने लगा। क्या आइडेंटिटी किसी को पता चल गई? शायद इसी बात से वो परेशान था। और इस सुशांत की मौत से पहले
को इसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा था। और सुशांत के मौत के बाद से वो गायब है, कहाँ गया होगा? उसकी जिंदगी खतरे में है। तुम एक काम करो, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, जीपीएस लोकेशन से पता करो कि कल रात ये लोग कहाँ पर थे। इनमें से कोई है जो झूठ बोल रहा है? सन न्यूज़ में बॉलिंग एली में उनका नाम आने के बाद से वो लापता है सर। ना ही उनका कोई फोन लग रहा है और ना ही सर उनकी कोई खबर है। न्यूज देखने के बाद कुछ कहा था उन्होंने? सर वो काफी डरे हुए थे और कह रहे थे कि सुशांत जी को तो उन्होंने मार डाला है, अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों को अमर के बारे में सब कुछ पता है क्या? जी सर, सुशांत सर को ऐसा लगता था आनंद हम सब के जरिए मंगेश भैया तक पहुंच जाएगा, इसीलिए उन्होंने पूरी फैमिली की नकली आइडेंटिटी बना दी ताकि उनकी आइडेंटिटी कभी सामने ना आ सके। सर मैंने ही उन्हें कहा था कि आनंद के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए। सर मुझे क्या पता था कि हम इस सब फंस जाएंगे। सर सब मेरी गलती है, मेरी गलती है सर। प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। सर उस दिन के ही बाद से सब कुछ बदल गया था सर। अमर, हैप्पी डेथ डे मंगेश, हैप्पी डेथ डे डियर मंगेश, हैप्पी डेथ डे टू यू। वो कार्ड दे सकते हैं हम लोग? सर वो तो मैंने दो दिन पहले ही फेंक दिया था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कल रात कहाँ थे? आपका मतलब क्या है? आप हम पर शक कर रहे हैं? आपको लगता है हमने मारा है सुशांत जी को और हमने गायब किया अपने खुद के जेठ जी को? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। कहाँ थे आप लोग कल रात? सर हम लोग तो सब कल रात को घर पर ही थे। ऐसे ठीक है, अमर के बारे में कुछ भी पता चले, उसका कुछ फोन वोन आए तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है सर। ये कुशल और अमर की दोनों की आइडेंटिटी कोई जान गया है, दोनों के साथ लगभग एक जैसा ही हादसा हुआ है, दोनों सरकारी गवाह बने और दोनों को डराने की कोशिश की गई, और अब दोनों गायब हैं सर। गायब हैं या गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद पुनी के निशाने पे यही दोनों हैं। इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को, और ये फैमिली वालों पे भी नज़र रखना पड़ेगा। इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कितना सच बोल रहे हैं ये लोग। सर अभिजीत, इस अमर और कुशल के फोन का आखिरी लोकेशन पता चलना चाहिए। सर हाँ, आनंद के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, अब उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये तुम्हें कैसे पता चला कि आनंद का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है? सर वो जेल अथॉरिटीज, वो लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से वो कोमा में है सर, हॉस्पिटल में। हाँ सर, वो काफी दिनों से ब्रेन कैंसर से जूझ रहा है सर, अब उसकी हालत बहुत खराब है। अगर ये आनंद ब्रेन कैंसर से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है तो फिर अमर और कुशल के पीछे कौन पड़ा है? फिर सुशांत को किसने मारा? और सर सोचने वाली बात ये भी है कि कुशल और अमर की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता कैसे चला? वही तो। सर हमने कुशल और अमर के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी की सारी डिटेल चेक कर लिए सर। हाँ। तो कुछ भी डाउटफुल तो नहीं दिख रहा सर? हाँ सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। क्या? सर ये देखिए, कुशल सांता क्रूज में रहता है और अमर गोरेगांव में, उन दोनों का फोन ऑफ होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन यहाँ है, मतलब कुशल सांता क्रूज से इस तरफ पड़ा और अमर गोरेगांव से। तो दोनों एक ही तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, अंधेरे की तरफ। अमर और कुशल दोनों एक ही तरफ जा रहे थे, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता अभी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हो सकता है ये दोनों भी एक साथ हो सकता सर। और फिर अमर कुशल ने सुशांत को बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है, तो हो सकता है कि सुशांत ने उनके लिए कोई नई जगह ढूंढी चुप कर रहने के लिए। सर ये सुशांत का प्लान भी हो सकता है, उनको बोला हो जब भी कोई खतरा हो तो वहां आ जाएं और वहां पे सेफ रहें। तो अगर कोई नई जगह है जहां पर
अमर और कुशल को छुपने के लिए जगह दी थी, तब सुशांत तो नहीं रहा, लेकिन उसके असिस्टेंट, स्पेशल ब्रांच के यश और प्रीति, इनसे पता चल सकता है कि ये जगह कौन सी है, कहां पर है। सुशांत सर के मरने के बाद अब हमें बचाने वाला कोई नहीं बचा। अब भागने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बहुत मुश्किल की घड़ी है, हमें शांति से काम लेना होगा। पुलिस की मदद लें क्या कुशल? नहीं नहीं, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उनमें से भी कुछ लोगों से मिले हो, हम फंस जाएंगे। हमें खुद ही कुछ करना होगा। अच्छा, क्या सुशांत जी अपने विटनेसेस की सेफ्टी के लिए किसी खास जगह का इस्तेमाल करते थे, मतलब कहीं छुपा के रखते हैं उनको? सर, जब तक विटनेस को नई पहचान नहीं मिल जाती थी, तब तक हम उन्हें सेफ हाउस में रखते थे। लेकिन आइडेंटिटी मिलने के बाद अगर जरूरत पड़ती थी तो हम उनसे पब्लिक प्लेस पर ही मिला करते थे। बॉलिंग एले भी हमारे लिए एक मीटिंग पॉइंट ही था सर। आई सी। अच्छा, अंधेरी में कोई ऐसी जगह थी क्या? हाँ, अंधेरी में एक जगह है, बहुत पुरानी, विटनेस को हम वहीं रखते थे। क्या ये वो जगह है? हाँ, यही वो जगह है। ये दोनों भी वहीं पे होंगे, वहीं चलते हैं। कुशल, अमर, अमर, लगता है उन लोगों को हमारा पता चल गया है। अब क्या होगा? लाइट ऑफ कर देते हैं। चल निकलते हैं यहां से। चेयर, ये रस्सी, लगता है किसी को बांध के रखा गया था यहाँ पे। खून के धब्बे, घसीटने का निशान है। एक मिनट, एक मिनट। कुशल और रीना की फोटो, कुशल का फोन है, मतलब अमर और कुशल दोनों यहाँ पे थे। हो सकता है हाथापाई के दौरान फोन यहाँ पे गिर गया, या फिर जानबूझ के छोड़ा हो ताकि उनके यहाँ होने का पता चले। ये एक बार समझ में नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले अमर और कुशल को कोई कैसे लेके जा सकता है? किसी को भनक तो नहीं लग गई थी कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं? अगर ऐसा है तो खून ही उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। यार, ऐसा लगता नहीं है कि खूनी ने उन्हें मारा, क्योंकि मारना होता तो इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। खूनी को उनकी आइडेंटिटी तो पहले से ही पता चल चुकी थी, मारना होता तो कब का मार चुका होता। और मारा भी तो सुशांत को, और उन दोनों का नाम स्किटल्स पे लिख के उनके दिल में डर बिठा दिया, और डराया भी दोनों को अलग अलग तरीके से, मारा नहीं था। पर सर, जिंदा रखने का क्या मकसद हो सकता है? कुछ तो है जो अमर और कुशल के पास है, जो खूनी को चाहिए। यश जी सर, ये नई आइडेंटिटी देने से पहले कुशल और अमर ये गैंग में क्या काम करते थे? सर, कुशल एक इंजीनियर था जो लाइट बॉम्ब बनाता था, और अमर उसको बॉम्ब बनाने में मदद करता था। और ये बॉम्ब वो लोग लूटने में इस्तेमाल किया करते थे। जी सर। अगर खूनी को इन दोनों के अतीत के बारे में पता था तो इनके हुनर के बारे में पता होगा, तो हो सकता है ये लाइट बॉम्ब बनाने के चक्कर में उनके पीछे पड़ा। अच्छा, कोई और भी था इस गैंग में जो ये बॉम्ब बनाना जानता? नहीं सर। वैसे ये जो बॉम्ब बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कहाँ से लेते थे ये लोग, कुछ मालूम है? सर, वो रमेश नाम के केमिस्ट से बॉम्ब बनाने का सामान लेते थे, और वो पकड़ा भी गया था, उसे 2 साल की सजा भी हुई थी। तो अगर ये लोग उनका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए करने वाले हैं तो इस रमेश से भी मिलेंगे? रमेश से मिलना होगा।
रमेश। मर गया। कुनी ने जबरदस्ती से वो केमिकल ले लिया होगा और केमिकल मिलने के बाद इसे जान से मार दिया। चलो एक बात तो साफ है कि अमर और कुशल दोनों जिंदा हैं और खूनी उनसे ये लाइट बॉम्ब बनाने की फिराक में है। इन लोग लगता है कि शहर में कुछ बड़ा हादसा करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी रॉबरी हो सकता है। खूनी बहुत चालाक है। ये क्या है? नोट। इसमें ये विलास एन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? विलास एन। हो ना हो, मौका मिलता ही अमर और कुशल ने रमेश के पॉकेट में ये नोट रख दिया होगा। मगर हमें कुछ बताना चाहता है कि वो इससे विलास एन, ये विलास एन नाम से कोई विटनेस था क्या आप लोगों का, जिसकी आईडी वगैरह आप लोगों ने बदली हो? नहीं तो। अच्छा, इसका कुछ तो कनेक्शन है शहर में होने वाले हादसे से। ऐसा क्या हो सकता है सर? सर चेक कर लिया, इस नाम का ना कोई बैंक है ना कोई ज्वेलरी स्टोर। ये लो, कुछ छोटे मोटे स्टोर्स और होटल्स हैं बस। छोटे मोटे स्टोर्स के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, बॉम्ब क्यों बनाएगा? सर ये विलास एन, ये एन इस आदमी का सरनेम तो नहीं है? यार ये भी तो हो सकता है कि विलास एन का रॉबरी से कोई लेना देना हो ही ना, कुछ और ही मतलब हो। यार देखो, जो भी कुछ है ना वो जल्दी करना चाहिए, हमें जल्दी सोचना चाहिए। एक बार उसने उस अमर और कुशल को इस्तेमाल किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेगा उन दोनों को। अगर सरनेम नहीं है तो क्या हो सकता है? एन से जगह का नाम भी तो हो सकता है सर। हो सकता है ये किसी आदमी या बैंक का नाम ना हो, जगह का नाम हो। विलास एन, विलास नगर, विलास नगर नाम की रोड है। विलास नगर पूरी चेक करो। इस जगह पे ना कोई बैंक है ना ज्वेलरी स्टोर। ऐसे सुनसान रोड पर कोई लेजर बम का क्या इस्तेमाल कर सकता है? सकता सर, इसी सड़क पे कोई हादसा करने वाले होंगे। एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस से पता लगाओ क्या विलासनगर रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं क्या। थैंक यू वेरी मच सर। कंट्रोल रूम वालों का कहना कि विलासनगर के आसपास के कई रोड वीवीआईपी सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिए गए। वीवीआईपी सिक्योरिटी? किसकी सिक्योरिटी? सर वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना महेश अग्रवाल, वो शहर में है और उसकी किसी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, इसकी वजह से सारे रोड्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वो विलासनगर से होके गुजरेगा मीटिंग के लिए। महेश अग्रवाल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी विलासनगर रोड पे? सर उसने खुद ही मांगी थी, उसने प्रोटेक्शन मांगी है क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। मतलब इस बार लेजर बॉम्ब के निशाने पर है महेश अग्रवाल। अरे तुम चिंता मत करो बाबा, डील हमें ही मिलेगी, टेंशन मत लो।
अमर, कुशल, तुम लोग? सर, अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। सर, ये सब हमसे जबरदस्ती करवा रहे थे। अब तो हम सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। बोल। सर, मैंने मुझे कुछ नहीं पता। सर, ये मैंने सब पैसों के लिए किया था। सर, किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? आप कौन? सर, एक्चुअली मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। आइए आइए बाहर। सर प्लीज, मेरे पति को बचा लीजिए। प्लीज मैम, कुशल को बचा लीजिए प्लीज। शक्ल से तो इतनी भोली लगती हो, लेकिन शातिर तो उससे भी कुछ ज्यादा। रीना जी, क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? फटाफट बताओ, जल्दी बताती हूँ। दरअसल कुशल और मेरी शादी की बात से ही कुशल बहुत डरा डरा से रहने लगा। उसका उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मेरे कई बार पूछने के बाद आखिर एक दिन कुशल ने मुझे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। दरअसल मैं एक लाइट बॉम्ब गैंग के लिए काम करता था। लाइट बॉम्ब बनाने में मैं एक्सपर्ट था, जिसके जरिए हम लूटपाट करते पर पकड़े कभी नहीं गए। पर रीना, मैं सरकारी गवाह बन चुका हूं। उस जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया है मैंने। बड़ी मुश्किल से उस दलदल से बाहर निकला हूं। सच में लाइट बम बनाना चाहते हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रीना? मैं उस दलदल में वापस नहीं जाना चाहता। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद आए दिन हम दोनों के झगड़े होने लगे। मैं कुशल से बार बार उसके पिछले जिंदगी में वापस लौट जाने की बात कहती थी, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। फिर मेरी मुलाकात परम से हुई। परम बहुत रईस था। हम लोग का अफेयर चलने लगा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना महेश, वो इसके चाचा हैं। चाचा को मारना क्यों चाहते थे तुम? मैं अपने चाचा के साथ काम किया करता था, लेकिन एक बार मेरी अनबन हो गई। उसने सबसे पहले मुझे काम से निकाला, उसके बाद मुझे धमकी देने लगा कि मुझे जायदाद से बेदखल कर देगा। और इसलिए तुमने चाचा को मारने का प्लान बना दिया? सर, मेरे चाचा के कई दुश्मन थे और सब उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे चाचा की मौत के बदले 5 करोड़ देने का वादा किया था। वाह रे वाह, तो 5 करोड़ रुपयों के लालच में तुमने अपने चाचा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाना पड़ा सर, क्योंकि मेरे चाचा को मानना इतना आसान नहीं था। उसके बाद मुझे रीना ने अपने पति के बारे में सब कुछ बताया। उसी वक्त मैंने सब कुछ प्लान किया था। तो पैसे के लालच में आकर तुमने अपने ही पति को बलि का बकरा बना दिया। तो क्या करती मैं? नहीं जीना चाहती थी मैं गरीबी में। कुशल और अमर का इस्तेमाल करके मैं महेश को मरवा देती। कुशल को इस बात की सजा भी हो जाती और फिर बचे हुए पैसे से परम और मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताते। एक तीर से 2 शिकार करने निकली थी तुम और खुद ही शिकार बन गई। सुशांत को क्यों मारा तुम लोगों ने? हम अमर और कुशल को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस बात की जानकारी किसी तरह से सुशांत को चल गई थी और उन दोनों को हमसे सिर्फ सुशांत ही बचा सकता था। और इसीलिए तुम लोगों ने उसे ही रास्ते से हटा दिया। सर, मैंने कुशल बनकर उसे कॉल किया था और बॉलिंग एले पर मिलने के लिए बुलाया और वहीं मैंने उसे मार दिया। परम और रीना, पैसों की लालच में तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। सुशांत का खून कर दिया, जो एक ईमानदार और जाबाज ऑफिसर था। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। तुम दोनों तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे ही सड़ोगे, पर साथ साथ वो भी सड़ेगा जिसने तुम्हें 5 करोड़ देने की लालच दी थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।